नारायण सिंह यादव को रास नहीं आई राहुल अखिलेश की दोस्ती। रोड शो के बाद बोले मुलायम, मैं हूं इस गठबंधन के खिलाफ, नहीं करूंगा प्रचार। पंजाब की कोटकपुरा रैली में आप और कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा पंजाब में चाहिए बादल जैसी सरकार, तभी देश की सुरक्षा रहेगी चिंता। रिश्वत वाले बयान पर घिरे केजरीवाल, चुनाव आयोग ने दिया FIR का आदेश। गोवा में एक चुनावी रैली के दौरान दूसरी पार्टियों से रुपए लेकर आम आदमी पार्टी को वोट देने की थी अपील। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गोवा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र किया जारी। चातुर्वी में गोवा में होगा चुनाव। नागपुर के जमाता स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को 5 रन से दी शिकस्त। 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबर। जसप्रीत बुमराह बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ नीरू यादव। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में दरार लग रहा है, अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस गठबंधन के खिलाफ हैं। मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की ये पसंद नहीं आई जोड़ी दोनों की, अखिलेश और राहुल की। तो आपत्ति जताते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वह इस गठबंधन के समर्थन में नहीं है और वह इसके समर्थन में प्रचार नहीं करेंगे। बता दें कि रविवार को राहुल और अखिलेश ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनावी रथ पर सवार होकर रोड शो किया, लेकिन शाम होते होते मुलायम सिंह मीडिया के सामने आए और कहा कि वो इस गठबंधन के खिलाफ हैं, इसलिए प्रचार भी नहीं करेंगे। मुलायम ने कहा कि वो बिल्कुल गठबंधन के खिलाफ हैं। मुलायम ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया और इसे पीछे ले गई, वो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़े। जबकि अखिलेश द्वारा पार्टी अध्यक्ष के पद से हटाए जाने से पहले भी मुलायम ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, पहले भी उसने अकेले चुनाव लड़ा और बहुमत की सरकार बनाई, किसी मौके पर गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की जमकर तारीफ की है। उनकी तारीफ किए जाने के एक दिन बाद राकंपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पर्रिकर के समय शस्त्र बल प्रतिष्ठानों पर निरंतर हमले किए जा रहे हैं और सैनिकों के कल्याण की सुध नहीं ली जा रही है। पवार ने वास्को इलाके में राकंपा उम्मीदवार जोसी फिलिप के समर्थन में आयोजित एक रैली में कहा, पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लगातार हमारे रक्षा ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शायद चिंतित हों, लेकिन हम चिंतित हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल गोवा में आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला है। गोवा के निर्वाचन अधिकारियों को 31 जनवरी की शाम तक इस आदेश पर अमल करते हुए प्राथमिक दर्ज कराना जरूरी है। दरअसल केजरीवाल ने गोवा में एक चुनावी रैली के दौरान दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों से रुपए लेकर वोट आम आदमी पार्टी को देने की अपील की थी। इस पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, तो केजरीवाल ने अपने जवाब में उल्टे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शब्दों की मर्यादा को चुनाव में ध्यान रखना चाहिए, ये उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कहा है। उन्होंने कहा कि शब्द और भाषा की मर्यादा कायम रहने चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय है। और उन्होंने ये भी कहा कि रैली के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी हमले किए और कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ, हम वो 7 साल में पूरा करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न मौके की तलाश में रहता है हमेशा, वह हमेशा पंजाब की धरती के इस्तेमाल की फिराक में रहता है। अगर यहाँ सरकार ढीली ढाली आ जाए तो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान को संकट के दौर से गुजरना होगा। ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। पाकिस्तान मौके की तलाश कर रहा है और उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान को एक भी मौका मिला तो वो ढीली ढाली सरकार की वजह से मिलेगा।
आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय ने एक बार फिर आंदोलन का आगाज कर दिया है। सोनीपत के लाठचोली गांव में जाट समुदाय ने हवन यज्ञ कर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की। मौके पर मौजूद जाट नेताओं का कहना था कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जाट नेताओं ने आरक्षण देने के साथ आंदोलन के दौरान जाटों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और मुरथल रेप कांड में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा इंतजामों के तहत धारा 144 लागू करने के साथ सीसीटीवी कैमरों से धरना स्थल की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हालांकि जाट नेता आजाद सिंह सांगवान ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलाए जाने की बात कही है। वहीं फतेहाबाद में पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतते हुए, और सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। ये हमने अमन ये करके धरना स्टार्ट कर दिया है और ये धरना अनिश्चित हमारी मुख्य मांगे हैं। जो बच्चे हमारे शहीद हुए हैं सबसे पहले हम उनके आश्रितों को नौकरी चाहते हैं, उसके बाद जो बच्चे जेल के अंदर हैं उनकी रिहाई चाहते हैं, और जो बच्चे जो हमारे ऊपर मुकदमे बने हुए हैं वो मुकदमे सरकार से हमारा वादा हुआ था वो सरकार उनको वापस ले, और जो रेप कांड है जो मुरथल रेप कांड है वो वहाँ रेप कांड नहीं हुआ, तो इससे हमारी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। इसे जाट कम्युनिटी जो है इस बात से जो है ना बड़ी आक्रोश। अब कहीं एक और हमारी परीक्षा धैर्य की परीक्षा है कि धरना कभी शांतिपूर्वक नहीं लगता। अब कहीं इसकी बहुत ही महीना हो लेकिन धरना शांतिपूर्वक रहेगा, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इतने बड़े व्यवस्था पर जो पैसा और खर्च किया जा रहा है वो आरक्षण देने में, बच्चों को मदद करने में, उनको छोड़ने में लगाए, या कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे ये सोचना पड़े भाई ये क्या होगा। बहुत शांति प्रिय एक मिसाल होगी कि ऐसे धरने लगाए गए हैं, पूरे धैर्य की परीक्षा है, और पूरे अनिश्चित काल का धरना होगा जी। सरकार आज मांग मांग लो आज उठा देंगे सरकार एक मिनट। हरियाणा के मेवात में फायर विभाग राम भरोसे है, गाड़ी तो दे दी गई है विभाग को लेकिन इंतजाम नहीं किए गए हैं, इंतजाम करना प्रशासन भूल गया है। उपमंडल के करीब 250 से ज्यादा गांव के लिए महज एक दमकल वाहन है, इतना ही नहीं दमकल कर्मचारियों के पास खुद का दफ्तर तक नहीं है। पुनहाना नगर पालिका में फायर दफ्तर को चलाया जा रहा है तो वहीं खुले आसमान के नीचे खड़ी रहने वाली दमकल गाड़ी में भी जंग लगना शुरू हो गया है। दमकल विभाग की बदहाली यहीं खत्म नहीं होती, गाड़ी में पानी भरने के लिए प्रशासन की ओर से ना तो कोई ट्यूबवेल बनवाया गया है और न ही किसी टैंक का इंतजाम किया गया है। वहीं दमकल कर्मचारी खुद भी प्रशासनिक अनदेखी से काफी परेशान है। बड़ा क्षेत्र है 200-250 ग्राम है करीब, तो सीजन के मौसम में दो दो तीन तीन जगह आग लग जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है, गाड़ी भी छोटी है। एक ही गाड़ी आई थी स्टार्टिंग से, स्टेशन अभी तक यहाँ कोई है नहीं और यही गाड़ी चली आ रही है। गांव पुनाना ब्लॉक में मेवात का सबसे बड़ा ये ब्लॉक है, शायद 250 गांव के आसपास हमारे पास पड़ते हैं। एक गाड़ी से हमें कई बार सीजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, बस वही एक गाड़ी चली आ रही है, ये भी काफ़ी पुरानी गाड़ी है। पानी अभी क्योंकि यहाँ स्टेशन नहीं है तो पानी का तो इंतज़ाम स्टेशन के बाद ही होना शायद। दिक्कतें तो यहाँ ज़्यादा देखो सबसे पहले तो स्टेशन की है, अब हमें यहाँ एक कमरा जैसे मिला हुआ है वही हमारा स्टेशन है, वही ऑफिस भी है, वही रेजिडेंस का भी है, वही रेस्ट का भी है, चाहे उसको जैसे मर्जी यूज कर लें, अगर स्टेशन और ना गाड़ी के लिए कोई अच्छी जगह। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की। प्रेस वार्ता में उनकी ओर से ये भी बताया गया कि कल अमृतसर में बीजेपी के नेता यानी अमित शाह की ओर से एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। वहीं श्री तोमर ने कहा कि जब से पंजाब में चुनाव की घोषणा की गई है तब से लेकर जितने भी बीजेपी के बड़े नेता पंजाब पहुंच रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से पंजाब में चुनाव मुहिम की शुरुआत की थी। नरेंद्र तोमर ने राहुल गांधी पर हालांकि इस दौरान हमला किया और हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी इस पार्टी के सदस्य हैं, वह पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार की जननी है इसलिए उन पर भरोसा ना किया जाए। वहीं श्री तोमर ने पंजाब में नशे को लेकर भी अपना बयान दिया।
सरकार का उन्होंने परफॉर्म किया है। आगरा में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना एक व्यक्ति ने दी जो बस स्टैंड में कुछ सामान बेचता था। दरअसल थाना नाई की मंडी क्षेत्र के एमजी रोड के सुभाष पार्क के पास बस स्टैंड के बूथ में अज्ञात शव ये मिला है। वहीं बस स्टैंड के पास सामान बेच रहे व्यक्ति ने बताया कि जब वह सुबह वहां पहुंचा तो स्टैंड के बूथ से बदबू आ रही थी। जब बूथ को खोलकर देखा तो उसमें अज्ञात शव पड़ा हुआ था जो कि पूरी तरह से गला हुआ था। वहीं सबको देखकर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। संभल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इनके पास से अवैध हथियार बनाने का सामान मिला है। संभल में विधानसभा चुनाव में प्रयोग के लिए तैयार की जा रही अवैध हथियार का धनारी थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर धनारी क्षेत्र के जंगल से अवैध हथियार बनाते हुए इन युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से राइफल, बंदूक, पिस्टल और तमंचे, कुल 51 अवैध हथियार और 38 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अर्धबने हथियार बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये अवैध हथियार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए तैयार किए जा रहे थे। एसपी ने बताया कि संभल अति संवेदनशील जिला है, इसी को लेकर पुलिस को अलर्ट पर रखा है और पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग विगत कई वर्षों से असलाह बनाकर बेचने का काम करते थे और असलाह बनाने का स्थान ही बराबर परिवर्तित करते रहते थे। इसमें से एक अभियुक्त कैथल का रहने वाला है, चंदौसी का, जो पूर्व में कई बार जो है असलाह बनाने की फैक्ट्री में जेल जा चुका है। इन दिनों ये लोग और इसमें दो अभियुक्त ऐसे हैं जो रसूलपुर धतरा के हैं, थाना हयात नगर के, इसमें से एक अरेस्ट हुआ है। ये लोग स्थान बदल करके यहाँ मानक नगर के जंगल में धनारी में विगत दो दिनों से ये नया काम प्रारंभ कर दिए थे। इसकी सूचना जरिए मुखबिर प्राप्त हुई, उस पर जो है इन टीमों ने संयुक्त प्रयास किया और उनके प्रयास से बरामदगी हुई 315 बोर के 32 जो है तमंचे और 12 बोर के 12 तमंचे और एक तमंचा 32 बोर का मिला है। इस प्रकार से कुल 51 जो है असलहे बरामद हुए हैं और इसके अतिरिक्त 20 जो है अधबने तमंचे बरामद हुए हैं तथा काफ़ी मात्रा में मटेरियल और उसको बनाने की मशीनें बरामद हुई हैं। पुलिस टीम द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और इनको मेरी तरफ से 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यूपी के बरेली में प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान एक लग्जरी कार से सोना और 1,00,000 से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 का है, जहां मुरादाबाद की ओर से आ रही एक कार से पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोना और नकदी बरामद की। सिक्के नामी सीमेंट कंपनी के लोगों लगे गिफ्ट पैकेट में रखे थे। पुलिस ने फिलहाल बरामद रुपए और सोने के सिक्कों को जब्त कर दोनों कार में सवार दो युवकों को हिरासत में ले लिया है। पकड़ में आए युवकों में से एक उत्तराखंड के अल्मोड़ा तो दूसरा मुंबई के ठाणे का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हमारी स्टेटिक सर्विलांस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड टीम यहाँ पे लगातार चेकिंग कर रही है, जिसमें हम लोगों को आचार संहिता के अनुपालन में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारी फ्लाइंग स्क्वाड और स्टेटिक सर्विलांस टीम जॉइंट जो है जगह जगह पर जाके चेकिंग कर रही है। यहाँ पे हमारे लावारी चौकी पे करीब 4:15 बजे चेक किया गया तो इसमें लगभग 1,00,000 के करीब नकदी है, जिसमें हर तरीके की करेंसी मिली है। 2,000 भारतीय करेंसी जो है 2,050, 100, 500 के नोट हैं मिक्सअप है। उसी में जो है सोने के सिक्के कुछ मिले, जिसमें लगभग 945 ग्राम के करीब जो है। यूपी के मुरादाबाद में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो कि 31 जनवरी से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, जिस पर ग्रामीण वॉलीबॉल खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई और हीरो ग्रामीण के
चेयरमैन असलम ने जानकारी देते हुए खिलाड़ियों को वॉलीबॉल खेल के माध्यम से नौकरी मिलने में आसानी होगी ये बताया और इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी जो कि अलग अलग जिलों से होंगी। इसमें 16 टीमें जो मुरादाबाद मंडल के पूरे ज़िले हैं उन सबसे 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें एक और बहुत अच्छी खास बात है कि जो ये 16 टीमें प्रतिभाग करेंगी इसमें से फिर एक टीम बनेगी और वो मेगा जो फिनाले है 3 से 6 फरवरी तक वहाँ पे ये हो रहा है बैशुमा में मेरठ के वहाँ पे प्रतिभाग करेंगी। फिर उसके बाद में एग्रो इंफ्रा लिमिटेड जो है जो वाल्डन है वो 32 खिलाड़ियों को नौकरी दे रहा है इसी वर्ष, तो ये वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए एक बिल्कुल सुनहरा मौका है जिसको वॉलीबॉल आने वाले समय में वॉलीबॉल के जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो इससे बहुत प्रभावित होंगे और आगे जाके उनको बहुत फ़ायदे होंगे। इसका अगर देखा जाए तो हमारे राज्य में बहुत अच्छा स्तर है और खिलाड़ियों को बहुत प्रोग्रेस मिल रहा है जिससे खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं और आगे को नेशनल रहा डिस्ट्रिक्ट रहा या स्टेट लेवल पर जितने भी टूर्नामेंट खेल होते हैं उससे। यूपी के बाऊ में पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है और साथ ही लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जगह जगह और इसी के मद्देनज़र मोहम्मदाबाद पुलिस ने विधानसभा चुनाव में खपत के लिए लाई गई चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी की 7000 लीटर शराब बरामद की। बताते चलें कि पुलिस को सूचना मिली कि भारी मात्रा में अवैध शराब एक गोदाम में रखी हुई है जिस पर सूचना पर पुलिस ने छापा मारा और मौके से करीब 55 लाख की शराब बरामद कर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। फिलहाल मुरादाबाद में महिला की मृत्यु होने के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक महिला की इलाज के दौरान 1.5 महीने बाद हुई मृत्यु के बाद जमकर हंगामा हुआ। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने महिला थाने में जमकर हंगामा किया और पुलिस पर मृतक महिला के आरोपी पति को बचाने का आरोप लगाया। पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने महिला थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से जमकर नोकझोंक की और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव न ले जाने की धमकी भी दी। परिजनों के हंगामे के बाद महिला थाना पुलिस ने आसपास के थानों का फोर्स मौके पर बुला लिया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर परिजनों को शांत करवाया। इन हमारी जो शिकायत है हमारी लड़की को 1.5 महीने पहले आग लगा दी क्योंकि कोई नहीं दिखाई नहीं कुछ करी। हम अपने घर ला कर रिपोर्ट करी तो रिपोर्ट में आज तक भी वो पकड़े नहीं गए हैं। आज तक अब रात हमारी लड़की खत्म हो गई। इसकी शादी मनोहरपुर में हुई, इसके घर वालों ने इसको जला दिया, इसलिए यहाँ पे पंजीकृत किया था। अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी टीम जारी है। आज मेरा एक्सपर्ट नहीं, अभियुक्त पंजीकृत है, कार्रवाई किस वजह से नहीं हुई ये देखने की बात है, इसकी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा सब मुक्तिलाभ कर लेगा। तो चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई में पुलिस ने माँ बेटी के शव को बरामद किया है। पुलिस ने हत्या की आशंका भी जताई है। मुंबई से सटे भाईंदर ईस्ट के नवघर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गोल्डन नेस्ट स्थित एक इमारत के बंद कमरे में से माँ बेटी के शव को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस की माने तो दोनों की निर्मम हत्या की गई है। दोनों शव बुरी तरह सड़ चुके हैं। मामला का खुलासा शनिवार की शाम उस समय हुआ जब आसपास के लोगों को तेज दुर्गंध आने लगी, तो उन्होंने स्थानीय लोगों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ फ्लैट पे फ्लैट बंद था, पुलिस को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फ्लैट बंद है, उसमें से स्मेल आ रहा है, तो वहाँ पुलिस आने के बाद डुप्लीकेट चाबी का यूज़ करके फ्लैट खोला गया। उसमें एक 29 ईयर्स की महिला है, उसकी डेड बॉडी और 8 साल की उसकी बच्ची है, उनकी डेड बॉडी मिली है। अभी डेड बॉडी हम पोस्टमार्टम को भेज रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कॉज ऑफ डेथ क्या है। सर उसकी बॉडी कहाँ पर मिली और कौन से हालत में मिली है उसकी बॉडी? जो माँ है माँ की बॉडी हॉल में मिली है और जो लड़की है 8 साल की उसकी बॉडी बेड में मिली है। अभी हत्या हुआ कि नहीं पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद, वो भी पोस्टमार्टम बाद ही पता चलेगा। यूपी के कौशाम्बी में मतदान अभियान चलाया गया यानी कि मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। दरअसल यूपी के कौशाम्बी जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पैलेथल में यह अभियान चलाया गया। 35 किलोमीटर की मानव श्रृंखला के बाद
सिराथू विधानसभा में जल में जागरूकता अभियान चलाया गया। जल के जरिए मतदाता जागरूकता अभियान में जिलाधिकारी ने नौका दौड़ का आयोजन कराया। इस अभियान में युवकों को 10 की संख्या में नौका दौड़ कराई गई। तकरीबन 3 घंटे की नौका दौड़ कार्यक्रम ने पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले युवकों को खुद जिलाधिकारी कौशाम्बी अखंड प्रताप सिंह ने सम्मानित किया। जिलाधिकारी कौशाम्बी के मुताबिक जल के जरिए मतदाता जागरूकता अभियान में ज्यादा से ज्यादा आम वोटर को वोट देने के लिए प्रेरित करना है, जिससे कौशाम्बी में पिछले विधानसभा के वोटिंग प्रतिशत की तुलना में इस बार वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। यूपी के मऊ जिले में व्यापारियों का विवाद सामने आया है। दरअसल मंडी व्यापारी हैं और जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नवीन मंडी में घूस न देने पर मंडी समिति के सचिव और मुलायम सिंह यादव के करीबी रमेश यादव ने किन्नर सहित कई लोगों की दुकानों को निरस्त कर दिया। इस मामले में व्यापारियों और मंडी समिति के सचिव के बीच जमकर नुकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। वहीं मंडी सचिव ने दबंगई दिखाते हुए मीडिया कर्मियों से भी उलझ पड़े वो और कैमरा बंद कर दबंगई दिखाने लगे। आप इस फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से मुलायम सिंह यादव के करीबी रमेश यादव मीडिया कर्मियों को कानून सिखा रहे हैं, जबकि उन पर खुद घूस मांगने का आरोप लगा है। आगरा में लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इसी के तहत एक बाइक रैली भी निकाली गई और बाइक रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। आगरा में 11 फरवरी को होने वाले मतदान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट से ताजगंज के तोरा पुलिस चौकी तक इस बाइक रैली को निकाला। इस रैली में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सैकड़ों की तादाद में बाइक सवार अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाइक रैली को निकालकर 100% मतदान के लिए लोगों से अपील की। यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं का गुस्सा सामने आ रहा है। दरअसल बीजेपी के टिकट वितरण का विरोध ये बढ़ता ही जा रहा है। सिराथू विधानसभा में बीजेपी ने पप्पू पटेल को क्या टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया। कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लगातार विरोध प्रदर्शन की कड़ी के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाकर सामूहिक मुंडन कराया। कार्यक्रम में बीजेपी के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के पोस्टर के सामने सामूहिक मुंडन कराया। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष ने पहली बार सिराथू की ही जनता का वोट पाकर विधानसभा को जीता था और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इसके बाद भी उन्होंने सिराथू की जनता के साथ धोखा किया है। सिराथू की उम्मीदवार को टिकट देने में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पक्षपात करते हुए रुपए लेकर ऐसा उम्मीदवार घोषित किया है जो कभी भी उम्मीदवारी की लाइन में था ही नहीं। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट बदले जाने तक अपना विरोध जारी रखने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।